असलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ पेशावर जींस हाइट एंड उसके बाद मैं वॉलमार्ट भी जा रही हूँ एंड वॉलमार्ट के बाद किड्स डिस्प्ले पे भी। तो आपको भी दिखाती हूँ दोस्तों कि मैंने वहाँ क्या क्या देखा और क्या क्या लिया। तो दोस्तों जैसे मैं जींस हाइट आ गई तो फिर मैं आ गई गेम स्टूडियो बाय फरियाल एंड यहाँ पर मैंने अपॉइंटमेंट लिया और बस फिर मैं आ गई। ये अंदर का माहौल है दोस्तों, बहुत अच्छा था। ग्लैम स्टूडियो से निकल कर फिर मैं आ गई हूँ वॉलमार्ट एंड वॉलमार्ट में चलो देखते हैं दोस्तों क्या मैं देख रही थी। तो दोस्तों वॉलमार्ट में मैं आ गई थी बेकरी साइड पे फर्स्ट, क्योंकि मुझे लेना था चीज़ केक, लेकिन चीज़ केक नहीं मिला यहाँ पर। और केक थे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे, मिठाई भी थी, बिस्किट्स भी थे, सब कुछ था, सैलड्स भी थे, बट चीज़ केक नहीं था। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये थी सारी अच्छे अच्छे चीज़ें। और दोस्तों यहाँ पर सारी थी डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस, सीजनिंग्स एंड दोस्तों मुझे देखना था ओरिगानो, लेकिन वो भी आज नहीं था। लास्ट टाइम था जब मैं यहाँ पर आई थी यहीं से लिया था, लेकिन इस बार यहाँ पर नहीं था। दोस्तों यहाँ पर वॉलमार्ट में भी हर एक चीज़ अवेलेबल थी, शैम्पूज एंड कॉस्मेटिक्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत ही अच्छे थे और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, स्पाइसेस भी थे एंड केचप्स, मैक्रोनी एंड सब कुछ थे यहाँ पर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हर एक किस्म की फ्लेवर का इंस्टेंट केक मिक्स भी था, जो बहुत इजीली और आसानी से बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ पर थे चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कुकीज़, कपकेक्स, सब कुछ थे यहाँ पर। यह स्टेशनरी भी थी, बहुत ज़्यादा स्टेशनरी थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर दोस्तों। एंड फार्मेसी भी थी यहाँ पर दोस्तों, हर एक चीज़ था यहाँ पर भी दोस्तों। तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से एंड अब मैं जा रही हूँ किड्स प्ले एरिया में, और आपको भी दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या कैसा माहौल था और मैंने क्या क्या देखा। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किड्स प्ले पे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे थे और बहुत ज़्यादा फैमिलीज के साथ आए थे। और दोस्तों यहाँ पर मेरी सिस्टर भी थी, तो उसने कहा कि क्यों ना हम भी अपनी नीसा नाफी के लिए कार्ड बनाएं। तो यहाँ पर हम कार्ड बना रहे हैं जो 600 में बन गया एंड अब बस मैं जा रही हूँ।